जो पैरों में लाना नहीं वही है ना। चलो 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 चलो, लेकिन हम लोग तो कुछ लाया है फिर कुछ खाया है कहीं भी अंदर में फिर एक मुड़ा बैंड है वो दूरी बना के तो हिल रहा छोड़ो। नमस्कार दोस्तों, हमारा चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों हम लोग जब जिस जगह में आए रेस्क्यू करने के लिए, ये भारत का सबसे मोस्ट वेनमा रसल वाइपर जिसको हम लोग झारखंड में चहरचंदा का नाम से जानते हैं, और इसका अलग अलग नाम बहुत सारा नाम है आपका, मराठी में घोनस कहता है, बंगाली में इसको चंद्रबुड़ा बोलता है। इस सांप जो है आप देखें हमारे चैनल में सबसे ज़्यादा इस सांप से बाइट करने के बाद पैर काट जाना या गैंग्रीन हो जाना, कभी कभी हाथ भी काट जाना पड़ता है। जैसे कि देखें एक लेडीज़ को अभी जो है पैर पूरी तरह गैंग्रीन हो गया, हमारे द्वारा उनको पूरी तरह इलाज किया जा रहा है। और एक बच्चे को छत्तीसगढ़ का है जिसका पैर पूरी तरह गैंग्रीन हो चुका था, 3 महीना में उसका पूरी पैर को हम लोग ठीक कर चुके हैं। और आप सभी को अनुरोध है इस सांप से कभी भी खिलवाड़ ना करें। ये देखिए हमको लगता है सोचता है ये कोई भोजन क्या है, अभी देखिए इनका कुछ नहीं था दोस्तों। ये सांप आप देख रहे हैं, बहुत सारा आदमी ये कहते हैं कि ये सांप जो है बहुत सुस्त होता है, लेकिन ये सुस्त रहता है, लेकिन कभी कभी खतरा महसूस होने पर इतना ज़्यादा इसका स्पीड होता है और ये जाम करता है और ज़्यादातर एस बना के बाइट करता है। और इसका बाइट का जो मार्क होता है बहुत तीव्र होता है, और जिस जगह में बाइट करे तुरंत जो है उस जगह में फफोले का साथ साथ ब्लड क्लॉटिंग हो जाता है और उस जगह में बाद में जो है गैंग्रीन हो जाता है इतना ज़्यादा कि हाथ या पैर जिस स्थान में काटे उसको काटना भी पड़ सकता है। और इस सांप को सबसे ज़्यादा भारत में इसलिए आदमी मरता है, इसको सोचते हैं अजगर, इंडियन रॉक पाइथन अजगर का बच्चा समझ लेते हैं। अभी भी ऐसा बहुत सारा जगह है हमारा झारखंड में लगभग इसको पहचानते हैं, लेकिन ऐसा अभी भी गांव है जिसको अजगर के बच्चा समझता है। और अभी कुछ दिन पहले देखिए एक आदमी इसको अजगर समझ के गर्दन में गले में माला की तरह पहन रहे थे, उनको काटा और उनको मृत्यु हो गया। इसीलिए आप सभी को कहते हैं अजगर का जो बॉडी होता है ये ऑयली होगा और इस तरह राफ नहीं होगा। और वो अजगर का बच्चा जो है मिनिमम पैदा ही होगा 3 फुट का, तो इसलिए जो है ये रसल वाइपर है और ये सीटी मारता है। अजगर जो है बच्चा तुरंत सीटी नहीं मारता है। दोस्तों आप सभी को अनुरोध है अगर किसी को भी सांप बाइट कर ले तो तुरंत उसका बाइट का जो मार्क है जिस स्थान में काटे उस स्थान को तुरंत जो है हमें फोटो खींच के भेज दे, मैं तुरंत बता दूंगा कि कौन सा सांप बाइट किया, जहरीला या बिना जहरीला। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि कभी कभी बाइट करता है उसका मार्क जो है पता नहीं चलता है, हो सकता है आप सांप को देखे नहीं, अंधेरे में आपको काट लिया, उस समय ज़्यादा आदमी डर जाता है और हाइपरटेंशन सिर्फ डर के कारण कभी कभी मृत्यु हो जाता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि बाइट करता है लेकिन आप सोचते हैं सांप नहीं काटा, इसीलिए आप सभी को ऐसा कोई स्क्रैच या ऐसा कोई बाइट मार लगे तुरंत को हमें हमारा नंबर में 7209464269 में इसको सेंड कर दें व्हाट्सएप में, हम तुरंत बता देंगे और आपको सही गाइडलाइन दूंगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, आप सभी को अनुरोध करता हूँ अभी सांप का सीजन आ चुका है, आपके घर में सांप आ सकता है, इसीलिए आप जो घर का चारों तरफ अक्सर पुराना जो सामान रखा हुआ उसको अपडेट करते रहे, उसको जब भी कोई हाथ पुराना सामान रखे तो उस चीज़ को हाथ लगाने से पहले एक बार हिला डुला ले, ताकि अगर जूता या ऐसा पुराना कपड़ा किसी जगह में सांप हो सकता है वो अंडा देने के लिए घुस गया होगा, हो सकता है वहाँ वो जो है प्रजनन के बाद जो है अंडा का देने का जो है इंतजार कर रहा होगा। इसीलिए आप सभी को अनुरोध है कि ध्यान दें और सांप से बचे, जानकारी सबसे बड़ा बचने का उपाय है, आप सभी जानकारी रखें सांप के बारे में तभी आपका जान बच सकता है। आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।